हेलो, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये जो LG का एक ड्यूअल इन्वर्टर स्प्लिट AC है, इस AC को किस तरह से सर्विस करते हैं और सर्विसिंग करने से पहले हमें क्या क्या चेक करना है, ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। AC को सर्विस करने से पहले सबसे पहले हम AC को ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद उसके ग्रिल टेम्परेचर को चेक करना है कि ग्रिल टेम्परेचर लगभग हमें 12 डिग्री सेल्सियस तक मिलना चाहिए। यदि अगर 12 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बताता है, 14, 15, 16 तक, तो सर्विसिंग की आवश्यकता है, तो उस स्थिति में हमें सर्विस करना ज़रूरी है। तो अभी हम इसमें सबसे पहले ग्रिल टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मामीटर के सेंसर को स्विंग पट्टी के भाग में जहाँ से हवा अंदर आती है उस हवा आने वाले भाग पे रख देंगे। अभी हम AC को ऑन करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हो कि अभी AC ऑन हो चुका है। अभी AC ऑन होने के बाद जहाँ से एयर फ्लो यानी कि हवा आ रही है उस स्थान पे हमें थर्मामीटर के सेंसर को रख के उसका टेम्परेचर चेक करना है। थर्मामीटर लगाने की प्रक्रिया आप यहाँ पर देख रहे हो कि थर्मामीटर के सेंसर को बराबर स्विंग पट्टी यानी कि ब्लोअर मोटर के पास रख दिया है, और ये जो मीटर है ये मीटर को अभी हम किसी एक स्थान पर ऐसे अटका के रखेंगे और उसका टेम्परेचर चेक करेंगे। AC ऑन करने के बाद अभी हम यहाँ पर ग्रिल टेम्परेचर चेक कर रहे हैं कि अभी ये कम कम होते जाएगा। इसमें हम आज ड्राई सर्विस करने वाले, ड्राई सर्विस यानी कि AC को पूरा खोल कर उसके सभी भागों को ब्लोअर मोटर द्वारा साफ करना। पर देख रहे हो कि इसका टेम्परेचर कम कम होते जा रहा है, मतलब AC आपका प्रॉपर कंडीशन में। फिलहाल अभी इसमें बहुत सारा डस्ट यानी कि धूल मिट्टी जमा होने के कारण इस AC को हमें सर्विस करने की आवश्यकता है। 2 महीने में एक बार सर्विस करना आवश्यक है। अभी फिलहाल हमने इस AC को खोल के देखा है कि इसके अंदर कितनी डस्ट है। अभी सबसे पहले इसके एयर फिल्टर को निकालना है। यहाँ पर देखा कि अभी फिलहाल इसका जो एयर फिल्टर है, ये एयर फिल्टर कितना पूरी तरह से गंदा हुआ है। अगर इससे ज़्यादा मिट्टी इस एयर फिल्टर के ऊपर आ जाती है तो कूलिंग कॉइल खराब होने की संभावना रहती है। देखिए प्रक्रिया क्या है। देखो यहाँ पर एक लॉक होता है, इस लॉक को हल्का सा ऊपर उठाना है, और यहाँ पर एक लॉक होता है, इस लॉक को भी हल्का सा ऊपर उठाना है। दोनों लॉक को अपने हाथों में ऐसे पकड़ना है और एक फ्रंट ग्रिल को ऐसे ऊपर उठाना है कि जितना हो सके उतना ऊपर जाएगा। इस तरह से हमने एक ग्रिल को ओपन किया, ऊपर उठाया और यहाँ से एयर फिल्टर को उठाया। अभी AC को ऑफ करने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ से इस स्विंग पट्टी को निकालना है। तो स्विंग पट्टी को निकालने के लिए यहाँ पर एक लॉक दिया जाता है, इस लॉक को हल्का सा आगे की ओर खींचना है और स्विंग पट्टी को नीचे की ओर खींचते रहना है। फिर से स्विंग पट्टी को यहाँ से निकाल देना। देखो इस तरह से आप स्विंग पट्टी यहाँ से निकाल सकते हो। फिर अभी ये जो ग्रिल है, फ्रंट ग्रिल, इस ग्रिल को भी हमें यहाँ से बाहर निकालना है। ग्रिल को हो सके उतना ऊपर ले लो। फिर इसमें बीच में यहाँ पर एक लॉक है, इसको धीरे से आगे खींचो। लेफ्ट साइड में इसका लॉक दिया गया है, इस लॉक से भी इसको यहाँ से बाहर निकाल दो। ये जो लॉक होता है, इस लॉक को ऐसे पीछे की ओर यानी कि उस तरफ लेफ्ट साइड की ओर ऐसे दबाओ, ये ग्रिल आसानी से निकल जाएगी। बॉडी से अलग करो। और सबसे पीछे इसके कुछ लॉक होते हैं, उस लॉक में से नीचे से या ऊपर से भी ऐसे हाथ डाल के इसको ऊपर उठा सकते हैं। ओके, लॉक निकालना है। सबसे पहले हमने बीच का एक लॉक को ऐसे उठाया, फिर धीरे धीरे करके इस ग्रिल को यहाँ से अलग किया। अब आप सॉफ्ट ब्रश लेके सबसे पहले कूलिंग कॉइल के ऊपर जो कॉइल है, इस कॉइल के ऊपर इसे ब्रश को मारना है। जितना हो सके उतना पहले इस ब्रश से हम इस कॉइल कचड़े को निकालेंगे। और ये ब्रश लगाते समय ज़्यादा घाई ना करें, ब्रश को कॉइल के ऊपर ज़्यादा रगड़ना नहीं है, हल्के हाथों से इसको ऐसे सीधे पोजिशन में धीरे धीरे करके अपनी ओर खींचते रहना है। कॉइल अभी सॉफ्ट ब्रश के द्वारा साफ हो चुकी है। अभी हम टूथब्रश लेकर कॉइल को एकदम अंदर से साफ करेंगे। साफ करने के बाद ये जो इसका ट्रे है, इस ट्रे को भी साफ करना ना भूलें, नहीं तो जो भी कचरा इस कॉइल या ट्रे के नीचे अंदर गिरता है तो ये कचरा बाहर नहीं निकला, तो उस वक्त आपके AC में से पानी अंदर गिरने की संभावना रहती है। तो सर्विसिंग करते समय ये जो ट्रे रहता है, वाटर ट्रे, इस ट्रे को भी साफ करना ना भूलें। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने ट्रे को किस तरह से निकाला।
अभी जो जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह से हमने एक वायर का टुकड़ा लिया और वायर का टुकड़ा लेकर अभी इस वाटर ट्रे को एसी के ऊपर ही ऐसे यहाँ से बांध के रखेंगे। देखो वायर का टुकड़ा लेकर इसको बराबर अपनी जगह पर ऐसे बांध के रख, ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए। अभी हम धीरे धीरे पहले कॉइल को साफ़ करेंगे फिर ब्लोअर को साफ करेंगे। तो कॉइल को साफ़ करने के लिए आपको टूथब्रश वगैरह लेके उसको साफ़ करना है। बकेट लिया या छोटा सा बॉटल अगर कुछ रहेगा तो उसको कट करो या मग ले लो, उसके अंदर पानी देना है। ये टूथब्रश लेके इस कॉइल को हल्का से ऐसे हल्के हाथों से हर एक फिन्स को साफ करो। यही क्रिया आपको जब तक कॉइल पूरी तरह से साफ नहीं होती तब तक करते रहने। कॉइल के किसी भी भाग के ऊपर मिट्टी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो कुछ साल बाद कॉइल के ऊपर की वो फिन्स या वो उतना भाग खराब होकर कॉइल लीकेज होने की संभावना हो सकती है। इसके लिए कॉइल को अच्छी मात्रा में सभी जगह से साफ करके ले। कॉइल को साफ़ करने के बाद इस तरह से सॉफ्ट ब्रश द्वारा इसके ब्लोअर को भी साफ़ करना है और ब्लोअर साफ़ होने के बाद इसके आसपास के पूरे कचरे को एक साफ़ सुथरे कपड़े से साफ़ करना है। इसके बाद हम ये जो ब्लैक कलर का वाटर ट्रे ड्रेन ट्रे उस ट्रे को भी ऐसे ही सॉफ्ट ब्रश द्वारा साफ़ करेंगे। फिर जहाँ से पानी बाहर जाता है उस स्थान पर ब्लोअर मोटर द्वारा प्रेशर के सहायता से उसको साफ़ करेंगे। जैसे अभी आप वीडियो में देख रहे हो कि एक साफ़ सुथरा कपड़ा लेके ब्लोअर के नीचे का हिस्सा नीचे का भाग पूरी तरह से साफ़ किया है, ऐसे ही एसी के पूरे भाग को साफ़ करके लेना है। फिर इसके बाद हम वापस इसको ब्लोअर के द्वारा हवा मार के भी साफ़ करने वाले। सर्विस करते करते आपको ये जो इसके पूरा पीछे का जो हिस्सा है कॉइल के बाजू वाला भाग इसको भी पूरा क्लीन करते रहना है, इसको भी सही तरह से साफ़ करना है। जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया कि ये जो ड्रेन ट्रे होता है ना इस ट्रे के अंदर देखो कितनी मिट्टी है, तो इस मिट्टी को हमेशा सर्विसिंग के समय में साफ़ करना है। बहुत सारे टेक्नीशियन इसको इग्नोर कर देते हैं, तो इसको इग्नोर ना करें। जो ट्रे के सामने या ट्रे के अंदर जितने भी पूरी मिट्टी है इस मिट्टी वाले भाग के ऊपर साफ़ करना है। हो सके तो यहाँ पर स्केल पाउडर डाल के उसको छोड़ दे ताकि यहाँ से जो भी मिट्टी है ये पिघल कर जेली बनकर वहाँ से ड्रेनेज पाइप द्वारा बाहर निकल जाएगी। तो स्केल पाउडर का भी प्रयोग करें अगर आपके पास हो ऑप्शन तो, अदरवाइज आप उसको अच्छी तरह से ब्रश के द्वारा साफ़ कर सकते हो। अभी ये जो फ्रंट ग्रिल है फ्रंट वाले कॉइल को भी साफ़ करना है। तो फ्रंट वाले कॉइल को साफ़ करने से पहले ये जो ब्लोअर के नीचे हाथ रखा है उस हाथ के द्वारा ब्लोअर को पकड़े रहना ताकि ब्लोअर की स्पीड के द्वारा ये अंदर का पंखा ज़्यादा मात्रा में तेज़ नहीं घूमना चाहिए, अदरवाइज कुछ वो फिन्स वगैरह टूट सकते हैं। इसके लिए अभी हमने एक लेफ्ट हैंड से उस ब्लोअर को पकड़े रहा है और अभी ब्लोअर के द्वारा इस फ्रंट कॉइल को हमें साफ़ करना है। अभी आप यहाँ पर ट्रे के अंदर जो छोटा सा होल देख रहे हैं ड्रेन होल, उस ड्रेन होल के ऊपर ब्लोअर को रख के अधिक प्रेशर पे उसको साफ करना है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि कॉइल के सॉरी होल के आसपास का पूरा कचरा यानी कि जो जेली वगैरह जम गई थी यहाँ से हमने निकाला। ये इसलिए यहाँ पर ब्लोअर मारा था कि पाइप के अंदर अगर कोई जेली रहती है तो जेली प्रेशर के द्वारा बाहर चली जाती है यानी कि गंदगी साफ हो जाती है, इसलिए यहाँ पर ब्लोअर मारना ज़रूरी है। अभी पूरे एसी की सफाई होने के बाद वापस हम ब्लोअर के नीचे के हिस्से को ऐसे साफ कपड़े द्वारा साफ करेंगे ताकि यहाँ पर कोई भी झाग या ये कचड़े के दाग नहीं रहना चाहिए। इसको अच्छी मात्रा में साफ करके लेना है, रगड़ रगड़ के साफ करके लेना है ताकि एसी चलने के दौरान आपको एसी में से कुछ बदबू या स्मेल गंदगी नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए कपड़े से साफ करना ज़रूरी है। सफाई होने के बाद इस ट्रे को लगाना ज़रूरी है सही
स्थान पे लगाना ज़रूरी है। इसके लिए अभी जहाँ से वायर को बांधे थे वहाँ से इस वायर को हम निकालेंगे और वापस इस ट्रे को अपनी जगह पर फिट करेंगे। करने के बाद अभी ये जो ट्रे का मेन स्क्रू था उस स्क्रू को अपनी जगह पे लगा के लेना। ट्रे का स्क्रू भी लग चुका है। अभी देखना है कि ये जो ट्रे है उसका लेवल बराबर है क्या। इसको सही तरह से अपनी जगह पर फिट करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा एक मग्गा या एक हाथ बॉटल एक लीटर पानी डाल के देखना है कि जो अभी अपने ट्रे को खोला तो ट्रे को खोलने के बाद ट्रे के अंदर की मिट्टी और पानी सही तरह से बाहर जा रहा है कि नहीं, वो चेक करने के लिए इस ट्रे में कुछ एक बॉटल पानी डालना ज़रूरी है। ये जो ट्रे जहाँ पर पाइप लगा होता है ड्रेनेज पाइप उस स्थान पर बराबर हम इस पानी को छोड़ देंगे। ये इसलिए कर रहे ताकि अगर पाइप में कुछ ब्लॉकेज होगा या कचरा फंसा होगा तो प्रेशर के द्वारा वहाँ से पानी पूरा बाहर चला जाएगा और जो ट्रे की जो लेवल रहती है लेवल भी हमें समझ में आती है। तो ये सब लेवल चेक करने के लिए और पानी का फोर्स अंदर की गंदगी सब चेक करने के लिए ड्रेनेज ट्रे में पानी डालना ज़रूरी है। अभी ये जो ग्रिल है इस ग्रिल को हम साफ़ कपड़े से और सॉफ्ट ब्रश के द्वारा पूरी तरह से साफ़ करने वाले। साफ़ करने के लिए क्या है, रूम के अंदर गंदगी या कचरा नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम ये पूरे एसी के सभी भागों को सभी पार्ट्स को रूम के बाहर यानी कि खुली हवा में लेके आए ताकि ये गंदगी यहाँ पर हो गई चलेगा, यहाँ पर सही तरह से हम इसको साफ़ कर सकते हैं। इसके लिए इस पूरे ग्रिल को बाहर वाली जगह पर लेके आए और यहाँ पर अभी साफ़ करना है। ग्रिल को साफ़ करने के लिए इसे सॉफ्ट ब्रश का प्रयोग करें ताकि ये कोने कोने में जाकर वहाँ की गंदगी को वहाँ की मिट्टी को आसानी से निकाल सकते हैं। स्विंग पट्टी के ऊपर भी ऐसे ही साफ कपड़ा मार के हर एक भाग को साफ करके लेना है। लास्ट में बचता है अपना फ्रंट ग्रिल, इस ग्रिल को भी सेम साफ कपड़े से साफ करें, जितना हो सके उतना कपड़े के द्वारा यहाँ की पूरी गंदगी को मिट्टी को बाहर निकालना ज़रूरी है, वहाँ से हटाना ज़रूरी है। तो इस तरह से हम अभी इसके ग्रिल को साफ करेंगे। अभी हम इस एयर फिल्टर को सॉफ्ट ब्रश के द्वारा ऐसे साफ करेंगे। फ़िल्टर की सर्विसिंग करते समय आपको मुंह पे फेस मास्क लगाना ज़रूरी है, नहीं तो ये मिट्टी आपके नाक मुंह में जा सकती है। सीधे भाग से फ़िल्टर को सर्विसिंग करने के बाद उसके विरुद्ध साइड से भी सेम सॉफ्ट ब्रश के द्वारा उसको साफ करके लें। आप यहाँ पर देख सकते हो कि फ़िल्टर की सर्विसिंग करने के बाद फ़िल्टर किस तरह से चमक रहे हैं। तो इसी तरह से फ़िल्टर को हमेशा सॉफ्ट ब्रश के द्वारा ही साफ़ करें। फ़िल्टर को दोनों तरफ से सॉफ्ट ब्रश के द्वारा साफ़ करने के बाद सेम हमने एक सूखा कपड़ा लेकर फ़िल्टर को दोनों तरफ से वापस उसके फ्रेम को अच्छी तरह से साफ़ करके लिया। इसी तरह से एयर फिल्टर की सर्विसिंग की जाती है। अभी हम ये जो इंडोर यूनिट के जो ग्रिल है जैसे हमने एक एक पार्ट्स को खोले थे वैसे धीरे धीरे सब इसके एक एक पार्ट्स को फिट करना है। तो अभी सबसे पहले हम इसकी मेन ग्रिल को फिट करेंगे। ग्रिल को फिट करने की एकदम सिंपल ट्रिक देखो क्या है, इस ग्रिल को बराबर इसके सामने ऐसे रखा एसी के ऊपर और इसके जो लॉक्स होते हैं इस लॉक के बीचों बीच बराबर इस ग्रिल को फिट करते जाना, प्रेस करते जाना। इस तरह से हमने अभी यहाँ पर इसकी ग्रिल को फिट करके लिया। अभी इसके स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर द्वारा फिट करेंगे।
उसके बाद यहाँ पर एयर फिल्टर लगा के इसका फ्रंट ग्रिल लगाएंगे। फिट करने के बाद उसके स्क्रू को फिट करना ना भूलें, ये अवश्य करें और बिन भूले करें, नहीं तो फिर एसी चलने के दौरान उस एसी में से कुछ अलग से गड़गड़ाने का आपको आवाज़ सुनाई देगा, तो स्क्रू लगाना ना भूलें। लगाने के बाद ये जो स्क्रू के लॉक कवर होते हैं उसको भी लगाएं। यहाँ पर एक छोटा सा एरो दिया जाता है, ये एरो नीचे की ओर आना चाहिए। इस तरह से हमने अभी इसके स्क्रू और स्क्रू के लॉक को लगा दिया। अभी यहाँ पर स्विंग पट्टी जो थी उस स्विंग पट्टी को फिट करना है। फिट करते समय जो स्विंग पट्टी का एक लॉक होता है, स्विंग मोटर का शाफ्ट होता है, ये बराबर स्विंग मोटर के बाजू वाले भाग में यानी कि यहाँ पर फिट करेंगे। तो स्विंग पट्टी फिट करते समय सबसे पहले ये वाला भाग आपको लगा के लेना है। स्विंग मोटर का जो शाफ्ट है उस शाफ्ट की पोजिशन में उसको बराबर फिट करो। फिर लेफ्ट साइड के जो पॉइंट है इस पॉइंट को इस लॉक में इसे फिट करो। देन यहाँ पर इसके लॉक को बराबर स्विंग मोटर स्विंग पट्टी के शाफ्ट में फिट करना है। अब ये जो एयर फिल्टर है इस एयर फिल्टर को अपनी जगह पे फिट करें और ध्यान रखें कि ये जो एयर फिल्टर होता है इस एयर फिल्टर के ऊपर हमेशा ध्यान देते रहे। अगर आप ज़्यादा मात्रा में यूज करें तो एयर फिल्टर को रेगुलरली साफ करते रहो। अभी एयर फिल्टर भी लग चुका है, अभी इसके जो सामने की फ्रंट ग्रिल थी इस फ्रंट ग्रिल को लगाएंगे। फ्रंट ग्रिल को लगाने के लिए यहाँ पर ये जो इसका लॉक है इस लॉक को बराबर दोनों तरफ लॉक दिए जाते हैं, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। उसके लॉक में इस ग्रिल के लॉक को रख लो। ग्रिल भी लग चुकी है, अब इस ग्रिल को धीरे धीरे नीचे ले जाओ। शुरुआत में इसे साइड से इसको प्रेस करेंगे, फिर बीच से इसे प्रेस करना है, धीरे धीरे प्रेस करना है ताकि ये कॉइल ये जो ग्रिल थी ग्रिल अपनी जगह पर बराबर टाइट बैठ सके। एसी को पूरा खोल के सर्विस किया, अभी सर्विस करने के बाद वापस एसी को चालू करके उसका ग्रिल टेम्परेचर चेक करेंगे। अभी आप यहाँ पर ये जो आउटडोर देख रहे हैं इस आउटडोर को हम सर्विस करेंगे। इसमें मुख्य तरह से सर्विस क्या करना होता है, तो सर्विस करने के लिए आपको यहाँ पर ये जो एसी का ये जो कंडेंसर नेट होता है इस कंडेंसर को साफ़ करना है। कंडेंसर की पूरी गंदगी को साफ़ करना ज़रूरी होता है, तो कंडेंसर को साफ़ करने के लिए अभी हम यहाँ पर ब्लोअर मोटर का प्रयोग करेंगे। ब्लोअर मोटर द्वारा इसके कंडेंसर के हर एक फिन्स को साफ़ करना ज़रूरी है। पर अभी ब्लोअर मोटर में हमने एक छोटा सा एल्बो लगा दिया है। एल्बो का उपयोग मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि अगर ब्लोअर हम लोग डायरेक्ट मारते तो ब्लोअर का पाइप वहाँ तक सीधा नहीं पहुँचता, तो इसके लिए ब्लोअर में एल्बो लगा दिया ताकि एल्बो के द्वारा हम उस ब्लोअर की हवा को कॉइल के हर एक पिंस तक आसानी से पहुँचा सकते और कॉइल को साफ कर सकते हैं। इस तरह से ब्लोअर मार के मतलब ब्लोअर की हवा मार के हम कंडेंसर के नेट को यानी कि आउटडोर के कंडेंसर को आसानी से साफ कर सकते हैं। मेन तो इस यूनिट में कंडेंसर नेट ही होती है जिसमें ज़्यादातर अक्सर मिट्टी ज़्यादा मात्रा में फंसने से ये कंडेंसर ब्लॉक होता है और आपके एसी में कम कूलिंग होने लगती है। तो जब भी आप एसी की सर्विसिंग करो तो उस सर्विसिंग करते समय इस कंडेंसर की नेट को ब्लोअर मोटर द्वारा अवश्य साफ करें। अभी हम एसी को ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद वहाँ पर थर्मामीटर लगाकर उसका वापस ग्रिल टेम्परेचर चेक करेंगे। एसी को ऑन किया गया है, जैसे ही ये स्विंग ब्लेड ओपन हो जाएगा और अंदर से हवा आना चालू हो जाएगा अर्थात अंदर का पंखा ब्लोअर चालू हो जाएगा, तो उस स्थिति में उसके सामने थर्मामीटर का सेंसर रख देंगे और उसका टेम्परेचर चेक करेंगे। ग्रिल टेम्परेचर फिलहाल 19.9 डिग्री सेल्सियस है, ये धीरे धीरे वापस 12 की ओर आएगा अर्थात हमें कम से कम टेम्परेचर इसमें रीडिंग लेना है। ये लगभग हर एक एसी का ग्रिल टेम्परेचर 9 से 12 डिग्री सेल्सियस आना ही चाहिए। इतनी मात्रा में अगर हमें ग्रिल टेम्परेचर देता है मतलब हमारा एसी सही है। अभी धीरे धीरे एसी को कुछ समय तक चालू ही रखेंगे और इसके फ्लो को भी चेक करेंगे। जब एसी को हम सर्विस करने से पहले इसका फ्लो चेक किए थे तो वो टाइम पे एयर फ्लो कम था क्योंकि एयर फिल्टर आपका पूरा ब्लॉक था। एयर फिल्टर ब्लॉक होने के कारण हवा जो बाहर आ रही थी उसका स्पीड
बराबर नहीं थी, अभी इसकी स्पीड भी बढ़ गई और टेम्परेचर भी फटाफट डाउन हो रहा है। इस तरह से अभी हम वापस इसका टेम्परेचर चेक करते रहेंगे। ध्यान रहे, ये जो थर्मामीटर का जो सेंसर होता है, इस सेंसर को बराबर ब्लोअर के सामने ही रखना है, तो ही आपको ग्रिल टेम्परेचर बराबर बताएगा। देखो सर्विस करते ही जैसे एसी को चालू किया तो कुछ ही मिनट में, 1 से 2 मिनट के अंदर इस ग्रिल का टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस के नीचे आया, ये और टेम्परेचर डाउन होते जाएगा। सर्विस करने से पहले हमेशा एसी का ग्रिल टेम्परेचर चेक करें और सर्विस होने के बाद दोबारा उसका टेम्परेचर चेक करें, यदि आप कस्टमर हो तो भी या टेक्नीशियन हो तो भी, क्योंकि एसी को खोलने से पहले, उसका मेंटेनेंस करने से पहले उसका रिपोर्ट लेना और उसकी सूचना कस्टमर को देना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से एसी के हर एक रिपोर्ट को चेक करने के बाद उसकी सर्विस की जाती है, और सर्विसिंग करने का, ड्राई सर्विस करने का यही एक आसान तरीका है। इस तरह से हमने ये जो आपके सामने अभी देखा कि LG का जो ड्यूअल इन्वर्टर एसी है, इस एसी को आसानी से साफ़ किया। तो ऐसे ही कुछ एसी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, सर्विसिंग रिलेटेड या इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।